योजना भवन में शुक्रवार को बड़ा खुलासा हुआ था। संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव को हिरासत में लिया गया था। ज्वाइंट डायरेक्टर आईटी और स्टोर हैं वेद प्रकाश यादव, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इसके आईटी और स्टोर के। अब यादव को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ, कड़ी पूछताछ की जा रही है। अशोकनगर थाने में करीब 4 घंटे से पूछताछ की जा रही है। योजना भवन में भ्रष्टाचार का बेसमेंट मिला था, एक अलमारी से कुबेर का खजाना मिला था। अलमारी में 2,31,00,000 की नकदी और 1 किलो सोना मिला था। जांच की गई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई और अब एक व्यक्ति जिसे संदिग्ध माना गया, इससे पूछताछ पिछले 4 घंटों से लगातार जारी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये, जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है, कि आखिर योजना भवन में कुबेर का खजाना पहुंचा कैसे और किसका है ये खजाना। 2,31,00,000 की नकदी मिली है और इस खजाने का खुलासा उसी दिन क्यों हुआ जिस दिन 2000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया गया। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की, खजाने का वारिस, लावारिस खजाने का वारिस मिल गया है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। कल बड़ा खुलासा हुआ था, देर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब बताया जा रहा है वेद प्रकाश यादव को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। राकेश दाधीच मेरे सहयोगी सीधा जुड़ गए हमारे साथ। राकेश, क्या अपडेट? बिल्कुल सुमित, बता दूं, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। करीब 4 घंटे से जो संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने हिरासत में लिया है ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को, कड़ी पूछताछ की जा रही है अशोकनगर थाने में। लगातार पुलिस के आला अधिकारी पूरे प्रकरण को नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर डीजीपी उमेश मिश्रा ने भी निर्देश दे रखे थे, क्योंकि कल रात को जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देर रात आयोजित की गई थी तो तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो खजाना है ये किसका है, किस अधिकारी का है, इसको लेकर पड़ताल की गई। करीब सीसीटीवी पड़ताल करने से ये जानकारी सामने आई कि जो स्टोर में जाता था, बेसमेंट का जो रास्ता था वो आप जन के लिए सुलभ नहीं था, वहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी पहुँच सकते थे, इसको लेकर पड़ताल की गई। एफएसएल टीम मौके पर बुलाई, जहाँ साक्ष्य जुटाए गए, पूरे साक्ष्य को एकत्रित करके पुलिस ने देर रात तक छानबीन की और जो संदिग्ध लोग थे उनसे लगातार पूछताछ की गई थी, क्योंकि 8 लोग जब ये पूरा प्रकरण सामने आया तब 8 लोगों को डिटेन किया था, उनसे कड़ी पूछताछ की थी लेकिन कुछ निकल के नहीं आ रहा था। चूँकि पूरे प्रकरण को लेकर एडिशनल डीसीपी राम सिंह को जांच दी गई थी, लगातार जो सीआईयू टीम है इस पर मॉनिटरिंग कर रही थी और 100 लोगों की टीम ने लगातार जो संदिग्ध जो लोग आते जा रहे थे उनसे कड़ी पूछताछ की। फिलहाल ये बड़ा नाम निकल के आ रहा है क्योंकि ज्वाइंट डायरेक्टर अब भी कहा जा रहा है वेद प्रकाश यादव से पूछताछ की जा रही है, 4 घंटे से जांच जारी है, पूछताछ जारी है, नाम पर मुहर तो लगी नहीं है ना। आप योजना भवन में लगभग ढाई करोड़ रुपयों का मिलना और उस दिन खुलासा होना जिस दिन 2000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया गया, किस तरह पहुंचे योजना भवन तक, किस तरह अलमारी तक पहुंचे, किसके नाम पर अलमारी अलॉट थी, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, बड़े सवाल हैं। और आप अब तक सिर्फ ये ठीकरा फोड़ रहे हैं कि जांच की जा रही है। बिल्कुल, ये जो अहम खुलासा है, चूँकि सूत्रों के हवाले से ही हमें इनपुट मिला है कि जो जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव, उनको कड़ी पूछताछ में रखा गया है, चूँकि अशोकनगर थाने में बारी बारी से उनसे पूछताछ हो रही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट शाम तक हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इतनी बड़ी राशि है जिसमें 2 करोड़ से ऊपर की राशि और 1 किलो सोना रखा गया था, ये राशि कहाँ से आई थी, कहाँ देनी थी, इसके बारे में पड़ताल जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सरकारी जो महकमे हैं उनकी जो बंद पड़ी अलमारियां है, बंद पड़े जो आप ये कह सकते हैं स्टोर रूम है, कितने वक्त से ये राशि इस अलमारी में यहाँ संजो कर रखी गई थी, सहेज कर रखी गई थी। बिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी अभी सामने नहीं है, क्योंकि पूरे प्रकरण को लेकर खुद जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव खुलासा करेंगे, उसके बाद ये पता चलेगा कि ये राशि कब की थी, कितने साल पुरानी थी या कुछ दिनों पुरानी थी, पूरे मामले को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा करेंगे। अच्छा, ये कार्रवाई किस तरह की हुई थी जो अचानक से इतनी बड़ी रकम मिली, क्या किसी तरह का कोई अंदेशा था
कि इतनी बड़ी रकम किसी अलमारी में हो सकती है, इसलिए जांच की गई, खंगाला गया अलमारियों को वहां पर। बिल्कुल सुमित, जिस तरह से अभी ऑनलाइन पेपर जो वेबसाइट पे दुरुस्तीकरण का काम चल रहा था उसके तहत अलमारियों को चेक किया जा रहा था, जो पुरानी फाइलें थी उनको ऑनलाइन रिकॉर्ड में रखने के लिए ये पूरा जो कवायद थी वो थी, जिसमें दो अलमारियां थी जिनके चाबियां जो वहाँ के कर्मचारी थे उनको नहीं मिली थी, तो उन्होंने एक अलमारी को जब तोड़ा तो बैग और ट्रॉली बैग में ये राशि बरामद हुई। तो जैसे ही राशि बरामद हुई तो उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने को इसके बारे में इतला दी, इतला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ऐसा होता है ना राकेश, कि किसी भी कार्यालय में ऑफिस में अलमारी होती है वो किसी कर्मचारी के नाम से अलॉट होती है, क्या ऐसा कोई नाम निकल कर सामने आया? बिल्कुल बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो अलमारी है, अलमारी का स्टोर प्रभारी भी होता है और किस कर्मचारी की जो फाइल है उसमें रखी जाती है इस पे ही अनुसंधान चला था लगातार। रात भर से जो कर्मचारी अधिकारी है उनसे कड़ी पूछताछ की गई थी और बारी बारी से उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब ये चीज़ें निकल के आई कि उस वक्त कौन कर्मचारी था जो जिसके अंडर में ये अलमारियाँ थी, उनसे कड़ी पूछताछ की, उसके बाद ये अपडेट निकल के आए। जी, और क्या इस बात का कुछ इससे लिंक जोड़ा जा सकता है, RBI ने जो कल ही अपना फैसला सुनाया था? बिल्कुल, अभी फिलहाल जो RBI वाला जो कल का फैसला आया था इससे उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं, क्योंकि ये पुरानी करेंसी थी और जो गोल्ड भी मिला है वो भी पुरानी करेंसी ही निकली थी ना राकेश, उस वक्त भी जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त भी पुरानी करेंसी निकली थी, और अब भी इन नोटों की खेप में 2000 के नोट सबसे ज़्यादा हैं। बिल्कुल सुमित, ये जल्दीबाजी होगी कि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये पुलिस का मामला है, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे जो तथ्य है वो मीडिया के सामने रखेगी कि ये करेंसी कब की थी, किसी के। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। राकेश मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ सीधा जुड़े, अलमारी से कुबेर का खजाना मिला था और अब इसके मालिकाना हक का पता लगाया जा रहा है, कौन है इस कुबेर का मालिक। 2,31,00,000 रुपए की नकदी मिली थी, 1 किलो सोना मिला था, अब कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन अब शक की सुई सिर्फ एक व्यक्ति पर जिससे पिछले 4 घंटे से पूछताछ की जा रही है, और सवाल अभी पूछा जा रहा है कि क्या यही व्यक्ति इस लावारिस खजाने का वारिस है। शुक्रवार को यानी कल ये बड़ा खुलासा देर रात हुआ था, मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वेद प्रकाश यादव संयुक्त निदेशक है, वेद प्रकाश यादव को हिरासत में लिया गया है और 4 घंटे से पूछताछ की जा रही है। जॉइंट डायरेक्टर ITIM स्टोर वेद प्रकाश यादव, पिछले 4 से 5 घंटों से वेद प्रकाश यादव से पूछताछ की जा रही है, संदिग्ध माना गया है वेद प्रकाश यादव को, और जब एजेंसियों की शक की सुई किसी पर जाती है तो समझिए कुछ ना कुछ दाल में काला तो जरूर है, तो शक की सुई इस वक्त वेद प्रकाश यादव पर जिससे पिछले 4 घंटों से पूछताछ की जा रही है।